मेरे दोस्त, YouTube पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है ऐसा हमको और आपको लगता है, जिस वजह से हम उस कंटेंट के पीछे भागते हैं जहां पर हमको ग्रोथ बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि बड़ा क्रिएटर ने बोला है और बड़े क्रिएटर उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन गलती आप वहां पर कर देते हो। आप चाहो एक फ्रेश कंटेंट बनाओ जो कि उस ऑडियंस के लिए है जो YouTube के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आज भी इंडिया में ऐसे 70-80% लोग हैं जो YouTube पर केवल वीडियो को व्यू करने के लिए आते हैं, आपके व्यूवर हैं। केवल 20% है जिन्हें आप लोग जानते हो, वो यूट्यूबर हैं या फिर YouTube से रिलेटेड उनको जानकारी है, जिस वजह से उन्हें हाई कंटेंट, अच्छी एडिटिंग चाहिए। लेकिन नॉर्मल ऑडियंस के लिए सिंपल सा वीडियो बनाओगे, आपके वीडियो पे व्यूज आएगा। वो कंटेंट क्या है, यही बात करने वाला हूं। और ऑलरेडी कुछ चैनल, गिने चुने चैनल उस पे सीक्रेट तरीके से काम करके पैसे छाप रहे हैं। आप भी छापोगे, लेकिन जब आप काम करोगे तो इस वीडियो को मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, पहले आपको उस कंटेंट के बारे में बताऊंगा, वो कंटेंट बनाया कैसे जाता है, फिर ये बताऊंगा दूसरी बात, और तीसरी बात कि आपको 1000 सब्सक्राइबर या फिर ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेगा कहां पर। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप वीडियो बनाते हो तो आपके चैनल पर अगर कम सब्सक्राइबर होता है तो ऑडियंस के दिमाग में रहता है, यार इसके पास कम सब्सक्राइबर है, व्यूज जितना है तो मतलब इसको नॉलेज कम होगी, ये पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। तो अगर आपके चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर हैं तो लोग सोचते हैं भाई कुछ कुछ जानता होगा, तो आपकी वीडियो को देखेंगे, वहां पर ट्रस्ट बन जाता है। ठीक है, वो ट्रस्ट बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको 1000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो यार, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कॉन्टेंट क्या है, कंटेंट क्या है, हमको किस कंटेंट में काम करना चाहिए जहां पर बहुत आसानी से ग्रोथ मिले। सबसे पहले आपको यहां पर यूट्यूब पर एक चैनल दिखाता हूं, यह चैनल को देखिए। इस चैनल में केवल 120 वीडियो अपलोड है और 45,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन सच्चाई बात यह है कि इन्होंने अपने चैनल पे बहुत रेगुलर काम नहीं किया। फिर भी आप देखोगे 3 साल पुरानी कंटेंट को देखिए। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, 3 साल पुरानी वीडियो है, यहां पर देखिए 1.2 मिलियन व्यूज हैं। 2 साल पुरानी वीडियो है, 3.5 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज। ये तो मान लो, आप कहोगे भाई ये तो चलो 2 साल पुरानी है, पहले लोग देख लेते थे, लेकिन अभी देखोगे 1 महीने पहले वीडियो अपलोड किया गया 2.5 लाख व्यूज के आसपास। मतलब कि इस कॉन्टेंट में ऑडियंस ज्यादा है, इस कंटेंट में ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन लोग उस पर काम नहीं करते। लोगों को चाहिए आज भी वो चाय मसाला तड़कता भड़कता वाला, लेकिन ये नहीं पता कि इंडिया में से 70% ऑडियंस है जो कि आज भी प्रेस और केवल प्रेस कंटेंट देखती है, उन्हें ज्यादा ताउझाव नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे बहुत सारा व्यूज है। अब वीडियो क्या है, वीडियो बनाना एकदम सिंपल, मतलब कि आपको केवल 5 मिनट लगेगा वीडियो बनाने में, और एक छोटा बच्चा भी बना सकता है इस वीडियो को। वीडियो बनाने में ज्यादा कोई भी विशेष मेहनत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको तरीका पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैं वीडियो प्ले करता हूं, इन्होंने अपने चैनल पर ज्यादा एक्टिव नहीं है, इनका चैनल पर आप देखोगे एक्टिव नहीं है, थोड़ा भी एक्टिव नहीं है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, ये देखिए 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद 2 वीक पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं, वहां भी देखिए 11,000 व्यूज हैं, उसके बाद 3 वीक पहले अपलोड किए हैं 31,000 व्यूज हैं। मतलब कि जो वीडियो डेली बनाया जा सकता है वहां पर ये महीने में 2-3 वीडियो दे रहे हैं, फिर भी यहां पर चैनल डेड हो जाता है लोगों का, लेकिन इनका चैनल आज भी देखोगे 11,000-30,000 व्यूज आ रहे हैं। मतलब कंटेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोग, और ऑडियंस में नहीं। चलिए अब मैं प्ले करके आपको वीडियो दिखा देता हूं जो पॉपुलर वीडियो है, कैसे बनाया गया है एकदम सिंपल सा, ठीक है, और फिर ये वीडियो बनाया कैसे जाता है आपको यह भी बताऊंगा। ठीक है, यहां पर पहले मैं वीडियो ओपन करता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, अभी ऐड चल रहा है, ऐड को मैं स्किप कर देता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये जो यहां पर स्टोरी सुनिए, बात करिए, केवल एक फोटो का इस्तेमाल किया गया है, देखिए केवल एक फोटो का इस्तेमाल किया गया है, बस यहां पर आप देखिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है, बस शर्त ये है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है, अब वीडियो एडिटिंग देखिए, झाड़ियों के पीछे एक स्टोरी है, केवल एक स्टोरी है बस, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन फोटो आप देखो कहीं बदला ही नहीं गया है। एक फोटो को यहां पर लिख दिया गया है, एक हिरन की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी, और दूसरी वीडियो यूज ही नहीं है यहां पर, देखिए कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, लंबी पूरी स्टोरी मैं सुन रहा हूं, स्क्रिप्ट दिखा रहा हूं। तो जो आग थी उसे शिकायत, कहीं भी आप वीडियो चेंज करता नहीं देखोगे, कोई भी वीडियो चेंज नहीं हुई है,
और यहां पर देखिए 4 मिनट बीत गया है केवल एक वीडियो, 4 मिनट बीत गया केवल एक फोटो का इस्तेमाल किया गया है और स्टोरी पूरी खत्म, और व्यूज देखोगे 1.2 मिलियन। अब यहीं पर आप थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगा दें, आप थोड़ा सा अच्छा एडिट कर दें, 2-4 फोटो और लगा दें, तो देखो आपकी क्या ग्रोथ मिलेगी, आप सभी लोग जानते हो यार। तो बात यही है। अब 2-3 वीडियो में दिखा देता हूं एग्जांपल में, यहां पर भी देखिए कोई भी फोटो चेंज नहीं है, पूरी की पूरी वीडियो ऐसी है, ठीक है। अब अभी जो ये वीडियो एडिट करते हैं थोड़ा बहुत 1-2 फोटो डालने लगे, लेकिन और ज्यादा आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे आप इनकी तरह वीडियो बनाओगे, अच्छा खासा पैसे कमाओगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसे बनाना है, केवल एक स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी को एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बोलना है, बस फोटो लगा देना है। अब यहां पर सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि हमको स्टोरी मिलेगा कहां पर, ठीक है। पहली पॉइंट हम ये लेकर चलते हैं कि अब स्टोरी आपको ढूंढेंगे कैसे, फिर बनाएंगे कैसे, फिर अपलोड कैसे करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर पाएंगे कैसे, मेन चीज अब बचा है वीडियो का। यहां पर मैं चलता हूं क्रोम पे, और यहां पर लिखता हूं मैं मोटिवेशनल फार्मर स्टोरी इन हिंदी, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरे को चाहिए मोटिवेशनल फार्मर, ठीक है, किसान पे एक मोटिवेशनल कहानी, चलिए मैं कोई भी आर्टिकल में ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप देखिए बहुत सारी स्टोरी आपको मिल जाएंगे, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बस आपको एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पर देखिए बहुत सारा स्टोरी चल रहा है, आप इसे पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इसे चाहिए कॉपी कर लीजिए, बस यही कहानी को बोलना है, ठीक है। बोलने के लिए आपको चलो कहानी मिल गया, नंबर 1 कहानी आपको मिल गया, कहानी करना क्या है, अब आपको क्या करना, बस इसी फार्मर के आगे यहां पर लिख देना है मोटिवेशनल फार्मर, फोटो लिख दूं, ठीक है, फोटो लिख दूं, चलो फोटो मिल गया हमको, और अगर थोड़ा सा चाहिए फोटो हमको तो ये फोटो देखो, जितना इमोशनल फोटो आप लगा सकते हो इमोशनल फोटो लगाओ, ठीक है। इमोशनल फोटो लगाने के लिए आप यहां पर सर्च कर सकते हो, एक चीज और पुअर फार्मर लिख दूं, ठीक है, और आपको थोड़ा सा इमोशनल फोटो मिल जाएगा पुअर फार्मर। इसी तरीके से केवल किसान से रिलेटेड नहीं, हर एक टॉपिक पर आप कहानी बता सकते हो, ठीक है। कहानी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या कहानी में बताओगे। तो यहां पर आप देखिए बहुत सारे आपको फोटो मिल जाएंगी, ये फोटो लगा सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत सारे फोटो हैं, ये फोटो आप लगा सकते हो। तो जितना ज्यादा आप मोटिवेशनल कहानी बताओगे उससे रिलेटेड आपको इमोशनल फोटो को ऐड करना है, ये ध्यान धरना, क्योंकि जो ऑडियंस है, जो व्यूअर है, उन्हें मोटिवेशनल चीजें में थोड़ा सा इमोशनल चीज दिखाओगे तो बहुत ही ज्यादा एंगेज होता है। आप मोटिवेशनल कहानी बता सकते हो, किसी के ऊपर भी कहानी बता सकते हो, ठीक है। कंटेंट के अनुसार आप बदलते रहिए, यह नहीं कि केवल फार्मर को ही पकड़ के बैठ जाओ, आप कंटेंट समय के अनुसार बदलते रहो, ठीक। चलो ये भी फोटो मिल गया, अब बनाना कैसे है, आपको जाना अपने काइन मास्टर में। अब देखिए आपको अपना काइन मास्टर में उस फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है, मैंने यहां पर इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के बाद आपको कहानी तो भाई मिल गया, कहानी मैंने बता दिया कि कैसे कहानी को क्या बोलना है। अब यहां पर कहानी के साथ हमको थोड़ा सा ग्राफिक चाहिए इस फोटो में, ठीक है। और ज्यादा इमोशनल बनाने के लिए आप इसे थोड़ा सा, बहुत सारे इफेक्ट यहां पर होता है, ये लगा दो वो लगा दो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब इमोशनल आपका फोटो एकदम लगना चाहिए। चाहो तो आप इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इसे ब्लैक एंड व्हाइट में कर दो, इसका सैचुरेशन कम कर दो, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दो यहां पर, ताकि और ज्यादा ये मोटिवेशनल लगे। तो इस तरीके से आप यहां पर बना सकते हो, यहां पर माइक लगा लो, जो भी कहानी है उसे बस बोलना है, यहां पर लिखा रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो आप कुछ भी कहानी वहां से पढ़ना है और यहां पर बोलना है, कोई मेहनत नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको डेमो बोल के दिखाता हूं, आज की कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे एक गरीब किसान ने अपने बेटे की बलिदान किया, आप ये देखोगे पिता क्या कर सकता है। एग्जाम्पल में मैं ऐसे बोल दिया, ठीक है, अब कहानी को बस ऐसे ही बोलना है, आज की कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे एक, जैसे उस बंदे ने बोला था वीडियो में, सेम आपको वही बोलना है। यहां पर बोलने के साथ साथ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देना है, बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब पे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लिखोगे मोटिवेशनल वीडियो के लिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आपको बैकग्राउंड वही सब कुछ मिल जाएगा, कोई झंझट नहीं। सिंपल सा आप किसी तरीके से वीडियो बनाओ और आराम से वीडियो पे वायरल हो जाओ, ठीक है, यूट्यूब पर, बस आपको थंबनेल बनाना आ जाना चाहिए। चलो मैंने बता दिया सिंपल से, इतना तो यार कर ही लोगे, ठीक है, और जो भी डाउट हो बताना, मैं क्लियर वीडियो बना दूंगा हूबहू, अगर ना समझ में आए तब, लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो काहे फालतू अपना टाइम खराब करोगे आप लोग, ठीक है। तो कॉन्टेंट तो मैंने बता दिया कैसे फाइंड करना है, कैसे बनाना है। दूसरा,
जो तीसरी बात जो मैंने बोला था कि यार 1000 सब्सक्राइबर कैसे मिलेगा, क्योंकि यार सब्सक्राइबर की जो वैल्यू है ना वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में है, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ है कि जिसके पास जितना सब्सक्राइबर उसके पास उतना नॉलेज। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े सब्सक्राइबर आज मैं देखता हूँ कि वो व्यूज के लिए कुछ भी बना रहे हैं आपको, जो प्रैक्टिकली है उसे छोड़कर कुछ भी आप बता दे रहे हैं वो लोग आपको। तो भाई वो सब चीज़ें नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो क्या कर सकते हो भाई? देखो बहुत सारे सपोर्टर करते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब सपोर्ट करते हैं, तो आ जाना मेरे टेलीग्राम में, ठीक है? रोहित राज मोटिवेशन सर्च करोगे तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाओगे, टेलीग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर क्या करना है अपने को, एक दूसरे को सब्सक्राइब करना है, वीडियो भले ना देखो एक दूसरे को सब्सक्राइब करो। जैसे जैसे करके किसी का चैनल है, अगर कोई अच्छी वीडियो बनाता है मैं वहां पर प्रमोशन भी करता हूं, जिसकी वीडियो सही होती है। आपकी वीडियो अगर अच्छी होगी तो आपको मैं प्रमोट भी करूंगा, जिससे आपको 1000, 500, 700 सब्सक्राइबर मिल गया, तो जिससे आपकी थोड़ी सी वैल्यू बन जाती है कुछ क्रिएटरों के बीच में, क्या यार 700 सब्सक्राइबर है तो बंदे के पास कुछ तो होगा नॉलेज। तो इस तरीके से हमें गेम खेलना है, इस तरीके से हमें ग्रोथ लेना है यूट्यूब पर, ठीक है? तो भैया तीनों चीज मैंने बता दिया, वीडियो किस पे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो पे 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर मिलेगा कैसे, वीडियो बता दिया। अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप धोखा दोगे मेरे को, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।